नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलमान टाइम्स, मैं आपके साथ रंधिरा। ऊर्जा स्टेडियम में क्रिकेट सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और MLC संजय सिंह और पूर्व मंत्री नीरज कुमार पहुँचे हुए हैं। आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर शीत युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है और भी कई एक राजनीतिक सवालों का जवाब जानेंगे। सर, ये क्रिकेट टीम का जो आयोजन किया गया था, तो काफ़ी लड़का और जो लड़की हैं क्रिकेटर हैं वो काफ़ी हौसला अफजाई उनको लेकर के किया गया, लेकिन ऐसे आयोजन को लेकर सरकार की क्या रणनीति है? सरकार भी प्लान करती है, सरकार भी प्रोत्साहित करती है, और हर चीज़ से सरकार से हर चीज़ चाहिएगा कि सरकार करे। तो हर एक राज्यों में देखते हैं कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो खेल प्रेमी हैं, वो लोग भी प्रयास करते हैं, और आज हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं उन लोगों ने प्रयास किया है, और इसका हम लोग भी आए हैं। उनका वल्लभ भाई पटेल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने किया, एक महापुरुष के पुण्यतिथि पर इस तरह के खेल का आयोजन किया गया, फाइनल का आयोजन किया। इससे है कि लोगों में जागरूकता भी होती है महापुरुषों के प्रति, और जो आपसी खेल भावना से निश्चित रूप से आपसी सद्भाव प्रेम बढ़ता है। तो सर, मैं यहाँ के क्रिकेटर और जो यहाँ पे क्रिकेट आयोजक थे उनसे भी बातचीत की हूँ, वो लोग हमेशा इस चीज़ की कमी बताते रहते हैं कि जैसे यहाँ पे ग्राउंड है वैसे ग्राउंड की और भी ज़रूरत है, तो इसको लेकर अभी क्या स्टेडियम के हर एक प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण पर काम चल रहा है। कहीं कहीं कुछ ज़मीन की इश्यूज़ हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन हुआ है, हम लोग स्टेडियम का खेलकूद विभाग से सब जगह स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। आने वाले 2-3 वर्षों में बहुत आपको फ़र्क नज़र आएगा। और आखिरी सवाल सर, कि शराबबंदी पे आज महाअभियान शुरू हुआ है, जिसमें कि बड़े बड़े अफसर भी उतरे हुए हैं फील्ड में, तो क्या लगता है सर कि ये एक आखिरी मौका है? कैसे सामाजिक सुधार पर हम लोग अपने महापुरुषों को कैसे याद करते हैं, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, चाहे मदन मोहन मालवीय हों, हम पढ़ते हैं ना सोशल साइंस की किताबों में, तो हम इसलिए उनको याद करते हैं कि उस समय की जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उस पर उन्होंने प्रहार किया। उसी तरह से हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, शराबबंदी है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, इसके ऊपर उनका एक जागरूकता अभियान है, सब प्रयास कर रहे हैं। तो गठन हो रहा है, टीम गठित हो रही है, शराबबंदी है, फिर भी कहीं ना कहीं से शराब आए, तो जांच पड़ताल करने के पदाधिकारी लोग लगाए गए हैं। शीत युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है सर, ये जो अभी चल रहा है विशेष राज के दर्जे पे? सर, कोई शीत युद्ध नहीं है। हम लोगों ने, नीति आयोग ने हमको जो बताया, नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज़ कॉल्ड द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए आप कुछ प्लान बनाइएगा ना, हाउ टू डेवलप द स्टेट हु आर पुअर। हमारे यहाँ सबसे पर स्क्वायर किलोमीटर में बिहार सबसे घनत्व वाला, जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है। तो प्लान बनाइएगा ना, कुछ प्लान बनाइएगा, कुछ खाली ज्ञान बांटने से, नीति आयोग के ज्ञान बांट दिए, एक पॉलिसी लाए उस पर ज्ञान बांट दिया महाराष्ट्र गुजरात, और हमको उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा तो डिफरेंट पोजीशन है ना। तो हमको आप उस प्रिटेक्स में नापिएगा, तो आपको हम बहुत 15 साल में आगे दिखेंगे, हम बहुत आगे दिखेंगे। अब इंडिया टुडे का सर्वे देखिए, नीति आयोग ने एक सर्वे किया, एक इंडिया टुडे सर्वे, एक इंडिया टुडे सर्वे में कितना हमको आगे दिखाया है हर क्षेत्र में, अलग अलग सबका अपना अपना पैमाना है। तो सुना आपने किस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी ने ये बता दिया कि नीति आयोग का जो एक पैमाना है, उस पैमाने पे सरकार की मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अन्य डेवलप राज्यों से अगर तुलना की जाती है तो उस मायने में बिहार कहीं ना कहीं पीछे है, और इसके लिए विशेष राज्य के दर्जा की आवश्यकता है। तो फिलहाल दिलमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें, आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।